हेलो एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 8 इन अवर एक्सप्लोरिंग एमएस वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल इन एमएस वर्ड। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुछ टेक्स्ट हमने लिखा है उसको हम टेबुलर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में, रोस एंड कॉलम फॉर्मेट में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो हम मूव करते हैं एमएस वर्ड की स्क्रीन पर और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक नॉर्मल टेक्स्ट को टेबल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो मैं यहां पे कुछ नेम लिखूंगा। सो मैं यहां पे सिंपली आइटम वन टैब, आइटम टू टैब, आइटम थ्री टैब, आइटम फोर टैब, आइटम फाइव। मैंने यहां फाइव आइटम ली, इनको सेलेक्ट किया, मुझे इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, टैब टेबल ऑप्शन पे जाना है और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम, तो हमें कितने कॉलम चाहिए, फाइव, और सेपरेट टेक्स्ट एट टैब। तो मैंने यहाँ पे जो अपने टेक्स्ट को सेपरेट किया है वो टैब से किया है। यहाँ पे हम पैराग्राफ, कॉमा और अदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि एमएस वर्ड को पता चल सके कि हम कहाँ पे कॉलम को बनाना चाहते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये डेटा पूरा टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। सो हम इसको एक बार और देखते हैं। सो मैंने सारे आइटम यहाँ पे ऐड किए थे, आइटम वन टैब मैंने इसलिए किया था ताकि मुझे पता चल सके कि मैं एमएस वर्ड को बता सकूँ कि मेरा डेटा यहाँ पे आपको अलग करना है। ओके, सो हम फिर से एक बार देखते हैं कि आइटम वन टैब, आइटम टू टैब, आइटम थ्री टैब, आइटम फोर टैब, आइटम फाइव टैब। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं लास्ट का टैब रिमूव कर सकता हूं क्योंकि मुझे इसके आगे कोई कॉलम नहीं चाहिए। तो इंसर्ट के ऑप्शन पे, टेबल पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और मैंने टैब वाला सेपरेट टेक्स्ट टैब को सिलेक्ट किया था और ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेटा टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड। थैंक यू।